दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने पैन कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने पैन कार्ड में अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी को एक साथ अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर इनमें कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप अपने पैन कार्ड में इन सभी डिटेल्स को एक साथ अपडेट कैसे कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पैन कार्ड में सभी डिटेल्स को एक साथ अपडेट करने के लिए आपको आना होगा गूगल में। यहाँ पे आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। सर्च करते ही आपको एक वेबसाइट मिलेगी, सबसे ऊपर onlineservices.nsdl.com, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसे आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप चूज करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी होगी, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे इंडिविजुअल। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन देना होगा, यानी कि आपको अपना डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले आप अपना टाइटल चूज करेंगे, श्री, श्रीमती या कुमारी, जो भी आप टाइटल लगाते हैं। उसके बाद आपका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है सूरज भान यादव, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखूंगा सूरज, मिडिल नेम में लिखूंगा भान और लास्ट नेम में लिखूंगा यादव। इन केस की अगर आपका नाम सिंगल नेम से है तो इस कंडीशन में आपको लास्ट नेम या सरनेम वाले ऑप्शन में ही अपने नाम को फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, यानी कि जन्म तिथि, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स हैं, आपका जो भी नाम लिखा है या फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी फिल करना होगा, यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इंडिया के नागरिक हैं या नहीं, तो हम हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे जो भी कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एक टोकन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है eKYC पेपरलेस, यानी कि अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो भी फोटो लगा हुआ है वही फोटो आपके पैन कार्ड पे छप के आएगा और आपको कोई भी पेपर वगैरह कहीं पे भी सेंड करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन मिलता है सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन, यानी कि इस ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आप अपने पसंद का फोटो और सिग्नेचर अपने पैन कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं और इसमें भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे भी सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन होता है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस कंडीशन में आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना होगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली सेंड करना होता है बाय पोस्ट, वो भी NSDL के एड्रेस पे। बट हम ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन वाला ऑप्शन, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को चूज करने का फायदा यह है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे भी सेंड करने की जरूरत नहीं होती है और आप अपने पैन कार्ड में अपने मर्जी का फोटो और सिग्नेचर भी अपडेट करवा सकते हैं। तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं। फिजिकल पैन कार्ड यानी कि जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड होता है, अगर आप वो पैन कार्ड चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। या फिर अगर आप अपना केवल ई पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं जो कि आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है, तो इस कंडीशन में आपको नो करना है, तो आपको प्लास्टिक वाला यानी कि फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलेगा। तो हम यस करेंगे क्योंकि हमें ई पैन कार्ड और फिजिकल पैन कार्ड दोनों ही चाहिए, तो हम यस पे टिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर के सामने एक बॉक्स मिलेगा, इस पे आपको टिक करना है, यानी कि हम अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड के साथ अपडेट करेंगे। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के चार अंक यहाँ पे फिल करने होंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है सेम वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हमने नेम अपना फिल कर दिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे
और यहाँ पे एक बॉक्स आपको मिलेगा फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो मेरे पैन कार्ड पे जो मेरा नाम लिखा था वो गलत था, तो मैं उसे अपडेट करना चाहता हूँ। आधार कार्ड पे जो भी मेरा नाम है वही नाम मैं अपने पैन कार्ड पे अपडेट करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम इस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले के सामने भी एक बॉक्स मिलेगा, इस पे भी आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर पे पहले से ही टिक लगा हुआ है, यानी कि हम इसे भी अपडेट करेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स का डिटेल भी गलत है, यानी कि आपके पैन कार्ड पे आपके पिता का नाम गलत है, तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना होगा जो कि है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। तो इस पे हम टिक करेंगे। उसके बाद जो भी करेक्ट नाम है हमारे फादर का वो नाम हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे पूछ रहा है, मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने पैन कार्ड पे किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मदर का या फादर का। तो हम फादर का ही नाम प्रिंट कराएंगे, तो इस पे हम टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक बार सेव ड्राफ्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सभी डिटेल्स सेव रहेंगी। तो मेरे पैन कार्ड पे मेरा जो एड्रेस है वो भी अपडेट हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि एड्रेस के सामने वाले बॉक्स पे भी टिक लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप अपने पैन कार्ड को किस एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं, या फिर आपका जो भी कम्युनिकेशन है पैन कार्ड से वो किस एड्रेस पे होना चाहिए। अगर आपका कोई ऑफिस एड्रेस है तो आपको ऑफिस पे टिक करना है और उसके बाद अपने ऑफिस का एड्रेस फिल करना है। बट अगर आप अपने घर पे मंगाना चाहते हैं अपने पैन कार्ड को, तो इस कंडीशन में आपको रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। एंड यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिखाया है, आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आप कंट्री चूज करेंगे, तो इंडिया हम यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, जो भी आपका स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा है यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका जो भी एरिया पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंडिया। यहाँ पे इंडिया के सामने 91 लिखा है, यानी कि हमारा कंट्री कोड है 91, तो हम इसे चूज करेंगे। और आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पैन कार्ड के साथ ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट हो जाए, या फिर कह सकते हैं रजिस्टर्ड हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको एक बॉक्स यहाँ पे मिलेगा, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स। इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पैन कार्ड के साथ अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से सेव ड्राफ्ट करना है, ताकि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सभी सेव रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज करना होगा कि आप अपने आईडी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। तो हम तीनों ही प्रूफ में अपना आधार कार्ड देंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डबल ए लिखेंगे तो आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड चूज करेंगे। इसी तरह हम एड्रेस चूज करेंगे, यहाँ पे भी आधार कार्ड डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ में भी हम आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे प्रूफ ऑफ पैन पूछ रहा है, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड का कोई भी प्रूफ है, जैसे कि पैन कार्ड की कॉपी है, तो आप कॉपी ऑफ पैन कार्ड चूज करेंगे। पैन कार्ड जब आप बनवाते हैं तो उसका एक रिसीट मिलता है, या फिर अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अगर वो लेटर आपके पास है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। या फिर आपके पास पैन कार्ड का कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में आप नो डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको चूज करना है हिमसेल्फ हरसेल्फ वाला ऑप्शन। जैसे आप चूज करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। तो हम केवल एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। इन केस कि अगर आपने यहाँ पे पैन कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा, यानी कि आप पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही अपलोड कर रहे हैं। तो मैं केवल एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, आधार कार्ड, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। उसके बाद प्लेस में आपको अपने सिटी का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा और जो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चूज किया था, जैसे कि हमने आधार कार्ड चूज किया था, तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले इसके डायमेंशन को सेट करना होता है, उसके बाद ही आप इस फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे। तो फोटो और सिग्नेचर के साइज को कैसे सेट किया जाता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फोटो और सिग्नेचर सेट करने के बाद आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है
और जहां पे भी आपने फोटो रखा है वो फोटो आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फोटो हमारा जो है वो अपलोड हो चुका है। ऐसे ही आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपने सिग्नेचर रखा है वो सिग्नेचर चूज करेंगे और अपलोड। तो सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम अपलोड करेंगे अपना आधार कार्ड, जिसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ पे भी आपने आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल बनाया है उस पीडीएफ फाइल को यहाँ से चूज करेंगे और उसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली हमने अपना फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। अगर आप अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर रहे हैं तो आपको ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड को अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। तो आपके आधार कार्ड के शुरुआत के जो भी 8 अंक हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है उसे आपको वन बाय वन चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके डिटेल्स में कुछ गलत है तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, एडिट पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी सभी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी एक पेमेंट मोड चूज करेंगे कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 106 रुपीज का पेमेंट करना होगा, यानी कि 106 रुपए का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, उसके बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR, UPI। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा QR कोड वाला ऑप्शन, क्योंकि ये काफी इजी है। आपको अपने गूगल पे, फोन पे या किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट करना होता है, तो QR कोड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक QR कोड मिलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है तो ये QR कोड आपको शो करेगा। इस QR कोड को आपको अपने गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से पेमेंट कम्प्लीट कर देना है। तो जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पे आपको बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो पेमेंट है वो कैंसिल भी हो सकता है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कंसेंट देना है और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है OTP ऑथेंटिकेशन का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ e-sign, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंसेंट देना होगा और आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। एंड फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इफ यू हैव डिजिटली साइन योर एप्लीकेशन यूजिंग e-sign KYC देन देयर इज नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। आपको अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। और आपका यहाँ पे एक एक्नोलेजमेंट स्लिप भी जनरेट हो चुका है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड PDF, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक PDF फाइल मिलती है जिसमें पासवर्ड डाला होगा, तो पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है बिना डॉट या स्लैश लगाए, तो आपका जो PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसे अपने रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख सकते हैं या फिर आपके पास अगर प्रिंटर है तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप सेव करके रख सकते हैं। एंड फाइनली आपका जो पैन करेक्शन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको वेट करना होगा जब तक कि आपके पैन कार्ड में करेक्शन नहीं हो जाता। और पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म में आपने जो भी अपना ईमेल आईडी फिल किया था उस ईमेल आईडी पे NSDL की तरफ से 2 ईमेल सेंड किए गए हैं, जैसे
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें से एक ईमेल में आपका जो टोकन नंबर है वो लिखा हुआ मिल जाएगा और दूसरे ईमेल में आपका जो पैन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी आपने पेमेंट किया है उसका रिसीट भी मिल जाएगा। अब आपको वेट करना होगा लगभग 10 से 15 दिनों तक एंड 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपके ईमेल आईडी पे आपका जो ई पैन कार्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा और आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है यानी कि जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड है वो 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पे बाई पोस्ट मिल जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू आप काफी आसानी से अपने पैन कार्ड में अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे सभी डिटेल्स एक साथ अपडेट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी रेगुलर वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।